नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी अब अपने पात्रता कार्ड मुफ्त में खरीद सकते हैं। सरकार ने शुक्रवार को कार्ड पर लगने वाले 30 रुपए के शुल्क को माफ कर दिया। ये शुल्क लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर पर चुकाने पड़ते थे। हालांकि डुप्लीकेट कार्ड या रीप्रिंट जारी करने के लिए 15 रुपए के कर को छोड़कर सीएससी द्वारा लाभार्थियों में शुल्क लिया जाता था। बता दें कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आने वाले कॉमन सर्विस सेंटर से एक समझौता किया है, जिसके कारण लोगों को अब आयुष्मान भारत इंटाइटमेंट कार्ड फ्री में मिलेगा। इस समझौते के तहत अब लाभार्थियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड मिलेगा और इसकी डिलीवरी भी आसान होगी। सरकार ने कहा कि आयुष्मान कार्ड पीएम जेएवाई के किसी भी अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। हालांकि ये मुफ्त में जारी किए जाते हैं और इसे आगे भी मुफ्त में जारी किया जाएगा। एनएचए के सीईओ राम सेवक शर्मा ने कहा कि ये कार्ड कागज वाले कार्ड की जगह लेंगे। पीवीसी पर प्रिंट होने से इस कार्ड का रख रखाव आसान होगा और एटीएम की तरह लाभार्थी इसे आसानी से अपने पर्स या जेब में रखकर कहीं भी ला ले जा सकते हैं। ये कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं की बिना बाधा के मिलने रहने और किसी भी तरह के दुराचार और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के तंत्र का हिस्सा है। राम सेवक शर्मा ने कहा कि लोगों को ये कार्ड मुफ्त में मिलने से गरीबों को फायदा होगा। इस कार्ड से देश भर में कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज फ्री में करा पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख की गलवान वैली में कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आई है। यहाँ समाज सेवी सोनम बांगचुंग ने सेना के जवानों के लिए ऐसा टेंट बनाया है जिसमें हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, भले ही बाहर -20 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड क्यों ना हो। फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद गलवान वैली वही जगह है जहां पिछले साल जून में चीन और भारत के जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। ये लद्दाख का वो हिस्सा है जहां सर्दियों में पारा खून जमाने के स्तर पर गिर जाता है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए इस विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय सेना के जवान सरहद की सुरक्षा के लिए दिन रात वहां तैनात रहे। भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति आए तो सेना के सामने जवानों को ठंड की वजह से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सोनम वांगचुक ने एक खास तरह का मिलिट्री टेंट तैयार किया है। जी हाँ, ये वही सोनम वांगचुक है जिसके प्रेरणा लेकर थ्री इडियट्स फिल्म बनी है। सोनम वांगचुक अब इसके इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक तरकीब निकाली है जिससे सरहद की सुरक्षा में तैनात जवानों के भीषण ठंड से राहत मिल सकेगी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। सोनम ने इसे सोलेड मिलिट्री टेंट नाम दिया है। सोनम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने लिखा कि सोनम तुम आदमी हो, आपको सलाम, आपका काम ऊर्जावान कर रहा है। सोनम ने ट्वीट करते हुए बताया कि रात के 10 बजे जहां बाहर का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस था, टेंट के भीतर का तापमान +15 डिग्री सेल्सियस था। यानी टेंट के बाहर के तापमान से टेंट के भीतर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस टेंट के अंदर भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की सर्द रातें गुजारने में काफी आसानी होगी। इस सोलर डिटेड मिलिट्री टेंट की खासियत यह है कि यह सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है। इससे सैनिकों को गर्म रखने के लिए लगने वाली कई टन किरोसिन के उपयोग में भी कमी आएगी और वातावरण के प्रदूषण भी कम होगा। इस तरह के एक टेंट के अंदर आराम से 10 जवान रह सकते हैं। साथ ही इसमें लगे सारे उपकरण पोर्टेबल हैं जिसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। ये पूरी तरह मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है। सोनम वांगचुंग ने इसे लद्दाख में ही रहकर बनाया है। इस टेंट का वजन सिर्फ 30 किलो है, यानी इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसके इस आविष्कार को लद्दाख में सबसे कारगर माना जाता है। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख का केंद्र बिंदु है। लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए वांगचुंग का यह आविष्कार क्रांतिकारी कदम माना जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है। क्लस्टरों के जरिए देश के पारंपरिक खिलौना उद्योगों का बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्लस्टरों के निर्माण पर 2300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। क्लस्टरों में लकड़ी, लौह, ताड़ के पत्ते, बांस और कपड़ों के खिलौने बनेंगे। वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मौजूदा योजनाओं जैसे स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के तहत टॉय क्लस्टर का विकास करेंगे। इकोनॉमिक्स टाइम में छपी एक खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि सरकार मौजूदा स्कीम के तहत टॉय क्लस्टर स्थापित करना चाहती है। MSMI मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने हाल में हुई एक बैठक में 8 नए टॉय क्लस्टर को मंजूरी दी है। केंद्र की योजना के मुताबिक सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 3 क्लस्टर बनेंगे, इसके बाद राजस्थान में 2, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक-एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण होगा। गौरतलब है कि अभी स्फूर्ति योजना के तहत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 2 टॉय क्लस्टर बनाए गए हैं। एमएसई मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि सरकार क्लस्टर बनाने के लिए बेहद तेजी से काम कर रही है। अब 6 महीने में मंजूरी मिल रही है, इसके बाद उन्हें स्थापित करने में 6 महीने और लग रहे हैं। वहीं मौजूदा क्लस्टर में कौशल विकास, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, रिहाउसिंग फैसिलिटीज और मार्केटिंग जैसी सुविधाओं का निर्माण और लोकल उद्योग को ई कॉमर्स असिस्टेंस जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक अन्य अधिकारी ने कहा कि स्फूर्ति योजना के तहत 35 क्लस्टर बनाने की योजना है। वर्ष 2019-20 में देश में करीब 1.5 अरब मूल्य के खिलौनों का आयात हुआ था। घरेलू खिलौना बाजार में करीब 90% खिलौने चीन और ताइवान से आते हैं, लिहाजा सरकार खिलौने निर्माण में आत्मनिर्भर बनकर चीन का वर्चस्व कम करना चाहती है। मौजूदा कदम केंद्र सरकार नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंडियन टॉय स्टोरी के तहत कदम उठा रही है। कुछ ही दिनों बाद देश में पहली बार वर्चुअल इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश भर के 1,000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं के खिलौनों को देखने और उन्हें खरीदने का अवसर मिलेगा। ये 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कम निवेश में पेंशन की गारंटी के लिए अटल पेंशन योजना एक अच्छा विकल्प है। अभी अटल पेंशन योजना के तहत सरकार 1,000 से 5,000 रुपए महीना पेंशन की गारंटी देती है और 40 साल तक की उम्र का व्यक्ति अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आइए जानते हैं आप इसके नियम। अटल पेंशन योजना का मकसद हर तबके को पेंशन के दायरे में लाना है। हालांकि पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण ने सरकार में अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम उम्र बढ़ाने की सिफारिश की हुई है। योजना के तहत अकाउंट में हर महीने एक तय योगदान करने पर रिटायरमेंट के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए मंथली तक की पेंशन मिलेगी। सरकार हर 6 महीने में सिर्फ 1,239 रुपए निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद आजीवन 5,000 रुपए महीना या 60,000 रुपए सालाना पेंशन की गारंटी सरकार दे रही है। मौजूदा नियमों के अनुसार अगर 18 साल की उम्र में योजना के अधीनतम 5,000 रुपए मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपए देने होंगे। अगर यही पैसा हर 3 महीने में देते हैं तो 629 रुपए और 6 महीने में देने पर 1,239 रुपए देने होंगे। महीने में 1,000 रुपए पेंशन पाने के लिए अगर 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो मासिक 42 रुपए देने होंगे। मान लीजिए कि अगर 5,000 पेंशन के लिए आप 35 की उम्र से जुड़ते हैं तो 25 साल तक हर 6 महीने में 5,323 रुपए जमा करना होगा। ऐसे में आपका कुल निवेश 2.66 लाख रुपए होगा, जिस पर आपको 5,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी, जबकि 18 की उम्र में जुड़ने पर आपको कुल निवेश सिर्फ 1.04 लाख रुपए ही होगा। यानी एक ही पेंशन में करीब 1.60 लाख रुपए ज्यादा निवेश करना होगा। स्कीम से जुड़े अन्य बातें।
आप पेमेंट के लिए 3 तरह का प्लान चुन सकते हैं, मंथली निवेश, तिमाही निवेश या 6 माही निवेश। हर निवेश आपको 42 साल तक करना होगा। 42 साल में आपका कुल निवेश 1.04 लाख रुपए होगा, जिसके बदले में 60 साल के बाद से आपको आजीवन हर महीने 5,000 रुपये महीना पेंशन मिलती रहेगी। योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के जरिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण संचालित कर रहा है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CCD के तहत इसमें टैक्स छूट का फायदा मिलता है। एक सदस्य के नाम में सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा। कई बैंकों में अकाउंट खुलवाने की सुविधा है। शुरू में 5 साल सरकार की ओर से भी योगदान की राशि दी जाएगी। अगर 60 साल से पहले या बाद में सदस्य की मौत हो जाती है तो पेंशन की राशि वाइफ को मिलेगी। अगर सदस्य और वाइफ दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब लोग पूरी तरह डिजिटल पेमेंट पर निर्भर रहने लगे हैं। हालांकि डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं भी होती रहती हैं। इसी के मद्देनजर अब सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों ने बैंकिंग सेक्टर के तेजी से डिजिटल अपनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी और बेहतर करने के लिए एक कंपनी का स्थापना पर विचार कर रही है। इसकी जानकारी ये 2 बैंकों ने दी है। लेडर ने डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्प की स्थापना और अन्य सुविधाओं के लिए संसाधनों की तलाश शुरू की है। लैडर्स कई फिटनेस कंपनियों के साथ साझेदारी करेगी और सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगी, जिससे डोरस्टेप बैंकिंग और को लैंडिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। कंपनी की स्थापना को लेकर पिछले सप्ताह वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के साथ एक बैठक में चर्चा भी की गई थी। इस पहल के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन के तहत एक इंटर कमेटी का भी गठन किया गया है। बैंकों को उम्मीद है कि महामारी के कारण बैंकिंग सर्विसेज को लेकर कई तरह की समस्याएं देखी गई थी। बावजूद इसके भारतीय कंज्यूमर बिहेवियर के बदलाव देखा गया। डिजिटल सर्विस को लेकर लोगों में जागरूकता बनी। यही वजह है कि अब बैंक ग्राहकों तक डिजिटल ट्रांजेक्शन की सुविधाओं को आसान करने पर जोर दे रहा है। एक लेडर के मुताबिक बैंक डिजिटल लोन देने वाले प्लेटफॉर्म को अपना रहा है और हर एक बैंक इसमें निवेश कर रहा है। हालांकि निवेश का साइज काफी बड़ा होता है, जिसे सभी बैंक नहीं कर सकते हैं। यदि यह सामूहिक रूप से एक एंकर बैंक या PSB अलायंस के तहत किया जाता है तो लोन प्रोडक्ट की डिलीवरी और अन्य IT पहलों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य द्वारा संचालित बैंक समूह रूप से RFP प्लॉट प्रस्ताव के लिए डिजिटल बैंकिंग सर्विस के लिए सर्विस प्रोवाइडर और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की नियुक्ति करने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि बैंकर्स डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्प के लिए मौजूदा ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म PSB लोन IN59 मिनट को बढ़ाने की संभावना भी देख रहे हैं। बता दें कि 2018 में शुरू किया गया प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसाय लोन, होम लोन और पर्सनल लोन समेत अन्य डिजिटलीकरण के उद्देश्य से था, ताकि एक उधारकर्ता को 1 घंटे से भी कम समय में अप्रूवल मिल जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आयुर्वेद के अनुसार दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर किसी तरह से आपका मील मिस हो जाता है तो 1 गिलास दूध पीकर आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। दिन की बजाय रात में दूध पीने का सबसे फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं रात को दूध पीने के फायदे। कैल्शियम की पूर्ति। हमारे दांतों और हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत होती है। हर रोज गर्म दूध पीने से हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनती है। एनर्जी बढ़ाने में कारगर। दूध में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। इस आधार पर भी इसे हर रोज लिए जाने की सलाह दी जाती है। दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म दूध से करने से शरीर दिन भर ऊर्जावान बना रहता है। इसके साथ ही ये मांसपेशियों के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। कब्ज की समस्या। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो गर्म दूध पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये पाचन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। जिन्हें कब्ज की समस्या है वो गर्म दूध को दवा के तौर पर अपना सकते हैं। थकावट दूर करने के लिए। अगर आप काम करने के दौरान बहुत जल्दी थक जाते हैं तो आपको गर्म दूध पीना शुरू करना चाहिए। बच्चों को खासकर हर रोज दूध पीना चाहिए।
गले के लिए फायदेमंद, दूध का सेवन करने से गला भी अच्छा रहता है। अगर आपके गले में तकलीफ है तो दूध के कप में चुटकी भर काली मिर्च भी मिला सकते हैं तनाव दूर करने के लिए। ऑफिस से घर लौटने पर आप दिन भर का तनाव भी उसके साथ लेकर जाते हैं, ऐसे में हल्का गर्म दूध पीना आपको इस तनाव से राहत दिलाने में मदद करेगा। दूध पीने के बाद दिन भर का तनाव कम हो जाता है और आप राहत महसूस करते हैं। अनिद्रा की समस्या, रात में दूध पीने का ये सबसे बड़ा फायदा है। कई ऐसे अध्ययन सामने आए हैं जिनके अनुसार रात को सोने से पहले हल्का गर्म दूध पीने से अच्छी नींद और भरपूर आती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आजकल हमारे स्मार्टफोन में हमारा कीमती और जरूरी डेटा सेव रहता है। हालांकि मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से अब ठगी के भी तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हैकर्स आपके फोन को निशाना बनाकर आपका कीमती डेटा चुरा लेते हैं। साइबर अपराधी नए नए तरीके से आपका निजी डेटा चोरी कर रहे हैं। इसलिए आज के वक्त में आपके मोबाइल फोन को हैकर से बचाना भी बहुत जरूरी हो गया है। आज हम आपको ऐसी टिप दे रहे हैं जिससे आप अपने फोन को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। फोन को सुरक्षित रखने के लिए पिन, पासवर्ड और पैटर्न का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कोशिश करें कि आपका पिन, पासवर्ड और पैटर्न लॉक थोड़ा जटिल हो ताकि कोई आसानी से आपके फोन को ना खोल पाए। इसके अलावा आपको सुरक्षा का ध्यान रखते हुए फोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फोन को हैकर से बचाने के लिए कभी भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें। इससे आपका फोन और डेटा काफी हद तक सेफ रहेगा। आपको बता दें, थर्ड पार्टी ऐप में ऐसे लिंक और मेलवेयर मौजूद रहते हैं जिससे आपकी जानकारी लीक होने के अलावा फोन को भी नुकसान हो सकता है। किसी भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते वक्त उससे परमिशन पेज को ध्यान से पढ़ ले। अगर ऐप किसी तरह के कॉन्टैक्ट और लोकेशन वाली परमिशन ज्यादा मांगता है तो उससे इंस्टॉल करने से बचे। ऐसी ऐप के जरिए आपका पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर फ्री वाईफाई या पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें। सिक्योरिटी ब्रीच की बहुत सी घटनाएं पब्लिक वाईफाई से जरिए ही होती है। पब्लिक वाईफाई से हैकर अपने फोन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। खास तौर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें। अगर आप कहीं बाहर हैं और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो वीपीएन सर्विस के जरिए ही यूज करें। वीपीएन के जरिए वाईफाई यूज करने से आपका नेटवर्क काफी हद तक सेफ रहेगा। इससे हैकर्स आपके डिवाइस का एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूआईडीएआई ने देश में पैदा होने वाले नवजात बच्चों के लिए भी आधार की सुविधा दी है। यानी अब से आप नवजात बच्चे का भी आधार बनवा सकते हैं। आपको बता दें, देश के कुछ अस्पताल भी अपने यहाँ जन्मे बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसके बिना आपके कई काम अटक जाते हैं। यूआईडीएआई ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। यूआईडीएआई ने ट्वीट में लिखा है कि हर कोई आधार के लिए इनरोल करा ले, यहाँ तक कि एक नवजात बच्चे के लिए भी नामांकन किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास बस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता में से एक का आधार होना चाहिए। आपको बता दें, एक दिन से लेकर 5 साल तक के बच्चे के आधार के लिए बायोमेट्रिक डाटा नहीं लिया जाता है। बता दें, 5 साल तक बच्चों का बायोमेट्रिक बदलाव रहता है, इसलिए उनको नहीं लिया जाता है। जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाए तो आप इसको अपडेट करा सकते हैं। एक दिन के बच्चे का आधार बनवाने के लिए आपको सिर्फ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता में से एक का आधार कार्ड और पहचान पत्र चाहिए। इन दो डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप अपने बच्चे का आधार कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। सभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। डी डॉन एक्सप्रेस।